सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 3 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक यह गुत्थी नहीं सुलझ पाई है कि उनकी जान कैसे गई। मुंबई पुलिस के बाद सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी दिग्गज एजेंसियां इस रहस्य का पीछा करने में लगी हुई हैं। इस बीच एम्स की फॉरेंसिक टीम ने दोबारा से सुशांत की विसरा जांच करने का फैसला किया है। इसमें 10 दिनों का वक्त लगेगा। सीबीआई जांच का पूरा दारोमदार एम्स की टीम की इस रिपोर्ट पर टिका हुआ है, यानी 10 दिनों बाद 17 सितंबर को यह साफ हो जाएगा कि सुशांत की मौत कैसे हुई थी। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड और केस की जांच के लिए बने मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सोमवार को एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक बोर्ड सुशांत की विसरा जांच दोबारा करने वाली है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी मौत जहर के कारण हुई थी या नहीं। 17 सितंबर को बोर्ड की बैठक होने वाली है, तब तक इसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी। उसी दोपहर उनका शव कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उनका पोस्टमार्टम किया गया। सवाल पोस्टमार्टम को लेकर उठे कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, जबकि पोस्टमार्टम के बाद सुशांत की विसरा जांच भी हुई, लेकिन उनके 20% विसरा को सुरक्षित रख लिया गया था, जिसकी जांच अब एम्स की मेडिकल टीम केस को सुलझाने के लिए करेगी। एम्स की फॉरेंसिक टीम विसरा की जांच दोबारा इसलिए करना चाहती है कि उसे सुशांत को जहर दिए जाने को लेकर शंका है। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि जांच 10 दिन के अंदर की जाएगी और रिपोर्ट भी आ जाएगी। इस मामले में मेडिकल बोर्ड की अगली मीटिंग 17 सितंबर को होनी है। इसमें कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इससे पहले सुशांत की मुंबई में जो विसरा जांच हुई, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर के शरीर में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया। विसरा जांच की रिपोर्ट ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की तस्दीक की और कहा कि सुशांत की मौत लटकने के कारण दम घुटने से हुई थी। कूपर अस्पताल सुशांत मामले में शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। पोस्टमार्टम में जल्दबाजी के अलावा उनकी रिपोर्ट में मौत के वक्त का भी जिक्र नहीं था। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। सवालों की एक लंबी लिस्ट डॉक्टरों को थमाई गई, जिन्हें उन्हें अलग अलग भरकर सौंपना है। एम्स की टीम इस क्वेश्चन फॉर्म में डॉक्टरों के जवाब का भी आकलन करेगी। एम्स के पास विसरा टेस्ट के लिए आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं। ये इक्विपमेंट्स अमेरिकी फेडरल एजेंसी FBI द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में इस दोबारा हो रही विसरा जांच में चूक की गुंजाइश नहीं के बराबर है। बताया जाता है कि एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से घंटों पूछताछ की। इसमें सुशांत के गले पर मौजूद जख्म के निशान पर भी सवाल उठाया गया। दरअसल सुशांत के गले पर मौजूद जख्म का निशान बीच में और सीधी रेखा की तरह है, जबकि सुसाइड के मामले में यह यू या वी शेप के होते हैं। एम्स के डॉक्टरों की यह टीम CBI जांच में सहयोग कर रही है, लिहाजा संभव है कि 17 सितंबर से पहले यह टीम मुर्दा घर के स्टाफ से भी पूछताछ करेगी। एम्स की टीम अभी तक जुटाए गए फॉरेंसिक सबूतों की भी जांच कर रही है। सुशांत के घर 3 बार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, जहां से कुछ नए सबूत भी जुटाए गए। सुशांत की मौत के पीछे जहर का अंदेशा उनके पिता KK सिंह ने भी जताया है। बीते महीने उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि रिया चक्रवर्ती लंबे समय से उनके बेटे को जहर दे रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। ऐसे में अब 10 दिनों का इंतजार है। इंतजार उस रिपोर्ट का है जो एम्स की टीम तैयार करेगी और उसी के आधार पर CBI जांच की दिशा भी तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।